आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Hello everyone the question is in the following question out of four alternatives select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence in case of uh, no improvement is needed select no improvement

टीचिंग प्रोफेशन कि मेरे फादर किसमें आप टीचिंग में है uh, मतलब uh, कौन सा प्रोफेशन है उनका टीचिंग का प्रोफेशन है तो देखो जब यूज uh, हो रहा है हमारा प्रपोजिशन इन बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन नहीं बोलते हम बोलते हैं प्रोफेशन ऑफ टीचिंग दैट इज ऑप्शन आइदर बी और सी सेकेंड थिंग करेक्ट वे जो होता है ना वो अ टीचिंग प्रोफेशन नहीं होता द होगा द डेफिनाइट को डिनोट करता है ठीक है और अ इनडेफिनाइट को तो वी आर डेफिनाइट हम बी नो की टीचिंग प्रोफेशन ही है एंड द सब्जेक्ट दैट इज फादर समादर इट्स ऑल्सो तो हम इनडेफिनाइट के लिए नहीं जाएंगे हम बी ऑप्शन चूज नहीं करेंगे हम ऑप्शन चूज करेंगे, करेंगे सी दैट इज द इज अ डेफिनाइट आर्टिकल यूज फॉर डेफिनाइट थिंग्स नाउन पीपल राइट सो इट शुड बी इन द द के बाद क्या आना चाहिए नाउन आना चाहिए ठीक है क्या आना चाहिए नाउन आना चाहिए क्या है नाउन यहाँ पे प्रोफेशन है और उसके बाद आना चाहिए एडजेक्टिव दैट इज टीचिंग राइट इट शुड बी फर्स्ट वी शुड हैव द करेक्ट वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग समथिंग इज मेंशनिंग ऑफ द नाउन दैट इज प्रोफेशन तो वी कैन राइट द प्रोफेशन The profession to connect these two, we need a preposition and that will be of right. I of preposition. The uh, the profession of teaching, kiska profession teaching. A profession okay? profession is our noun as we have already discussed, and teaching is our adjective, right? The profession of teaching. द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवेन क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन सी थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करिए डाउट ने टाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप